विधायक अजय टंडन की जुबान फीट ली या फिर जानबूझकर कहा। तमो विधायक अजय टंडन के वीडियो का वायरल होना बना चर्चाओं में। प्रदेश और देश की सरकार में बैठे लोगों को कहा राक्षस अजय टंडन ने। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा 55 के विधायक अजय टंडन का वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जो कुछ कहा गया है उस बात को लेकर चर्चाएं भी हो रही है, आलोचना भी हो रही है। लगातार यह बात सामने आ रही है कि आखिर ये बात इनने जानबूझकर कही या जुबान फिसल गई या बिगड़े बोल ही है। क्या मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा 55 के विधायक अजय टंडन ने प्रदेश और देश की सरकार में बैठे लोगों को राक्षस कहा है और जिसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। हम आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं दमोह 55 के विधायक अजय टंडन, जो कि एक यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा में उनका एक मंच पर उद्बोधन था और उद्बोधन के दौरान उन्होंने जहां एक ओर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताया, तत्कालीन कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताया, तो वहीं प्रदेश और देश की सरकार में बैठे हुए लोगों को राक्षस का पेट इनकी पेंशन से भर सके, कम से कम ये एक दिन की रोटी चार रोटी तो खा के अपना जीवन यापन और जिंदा रह सके। पैसों की व्यवस्था की गई, 300 रुपए से पेंशन 600 रुपए की कमलनाथ की सरकार ने, पंजाब वाली सरकार ने, और 600 रुपए से जैसे किसानों का कर्जा माफी हो रही थी, 50,000, 60,000, 1,00,000, फिर उसको 2,00,000 पर लाते, इसी प्रकार इन गरीबों की, वृद्ध लोगों की पेंशन 600 रुपए से जब 1,000 होने वाली थी, उनने हमारी सरकार को पलट दिया, उनने हमारी सरकार को गिरा दिया, कांग्रेस की सरकार को। और कैसे? करोड़ों करोड़ों रुपया में विधायक खरीद लिए, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया में, जबकि जनता ने वोट दी थी उस विधायक को कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। ये लुटेरी सरकार है, ये गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है। जितने बैठे हैं सब राक्षस के रूप में बैठे हैं। ये आपका हित कभी नहीं चाहेंगे, वोट तो मैं जान देना हो तो दियो, ये आपका हित कभी नहीं चाहेंगे। आप मानव टटोलो अपने मन को, आप स्वतंत्र हो, आप खुद देखो ना, आप खुद देखिए ना, केवल गरीबों के खून को चूसने के अलावा मध्य प्रदेश अकेले, तुम्हारे गांव में अकेले नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये काम चल रहा है। आपने तीन काले कानून जब आप बनाते हो तब पूरे बॉर्डर पे, आप लोगों को मालूम है ना, किसान लोग बॉर्डर पे बैठे रहे हड़ताल पे, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कितने किसानों की मृत्यु हो गई, कितने किसान ऊपर स्वर्ग को चले गए, लेकिन मोदी ने कानून वापस नहीं दिया। कब वापस लेते हो? जब किसान बिल्कुल छाती खोल के खड़ा हो गया कि अब तो हम यहां से उठेंगे नहीं, तब तीन काले कानून वापस हुए। ये किसानों की जीत थी और मोदी सरकार की हार थी, किसान जीता, नहीं तो आप लोग खेती करने के लायक ना रहते। आपकी जमीनें बड़े आदमी लोग अपने घरों में रख लेते और आपको बाहर कर देते, और आप 14 महीने बाद, आप पढ़े लिखे लोग, उसमें से बहुत से लोग, और आप भी समझते हो, टीवी देखते, हर घर में टीवी है, मोबाइल है, 14 महीने बाद आप कानून वापस लेते हो, 14 महीने तक आप सोए हो, जैसे कुंभकर्ण सो रहा है, वो तो 6 महीना में उड़ जाता था, तुम तो 14 महीना में उड़ पाए। तो सुना आपने, ये थे दमोह विधायक अजय टंडन, जिन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान प्रदेश और देश की सरकार में बैठे हुए लोगों को राक्षस कहा है, जानबूझकर कहा है, बिगड़े बोल हैं, जुबान फिसली है, चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म बना हुआ है। पर यह बात सामने आ रही है कि अब आत्मग्लानी और आत्मकुंठा में क्या जीने लगे हैं ऐसे नेता, जिसके कारण उनकी जुबान फिसल जाती है या फिर बस जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म बना हुआ है।
देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।